उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं अतिथिगण को मेरा सुप्रभात। मैं रौनक अग्रवाल आज आप सभी के समक्ष साइबरबुलिंग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साइबरबुलिंग एक गंभीर समस्या है, परंतु क्या हम सचमुच में इसके बारे में सोचते हैं? क्या हम इसे उतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी की होनी चाहिए, या बस इसे एक अंधे का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं? साइबर बुलिंग वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को आतंकित करता है, नीचा दिखाता है या उसका अपमान करता है। यह बुलिंग किसी भी रूप में की जा सकती है। सोशल मीडिया पर निरंतर ट्रोलिंग करना, गैर संवेदनशील तस्वीर या मैसेजेस भेजना, या फिर ईमेल या ऑनलाइन गेम्स में अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग करना, यह बुलिंग की समस्या के कई कारण है, जैसे कि अनुभवहीनता, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, आपसी संवाद की कमी। साइबर बुलिंग हमारे डिजिटल जीवन शैली को खतरे में डाल सकती है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के बीच में भी अस्थिरता का कारण बन सकती है। कई बार तो अक्सर यह विवाद और उत्पीड़न का कारण बन जाती है और व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। और इससे ज्यादातर किशोरावस्था के युवा प्रभावित होते हैं। हमें इस समस्या को हल करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। हमें साइबर शिक्षा और साइबर सुरक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलानी होगी, ताकि हम इस खतरे के खिलाफ तैयार रहें। साथ ही साथ हमें अपने बच्चों और युवाओं को संवेदनशीलता, सहानुभूति और सामाजिक सहयोग के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा। साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई में हमें सभी का सहयोग और साथ चाहिए। हमें एक समर्थ और स्थायी रहकर डिजिटल संदेश प्रदान करने की जरूरत है, जो हमारे समाज को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आओ सब मिलकर सही गलत का फर्क नई पीढ़ी को सिखाएं और साइबर बुलिंग को आकर बेहतर भविष्य बनाएं।